गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, आई एम अनूप तिवारी फॉर केमिस्ट्री टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने इसके पहले आपको जो है केमिस्ट्री का बेसिक 11 का वीडियो दिया था, आज हम 12th का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और 12th का जो हम पहला चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम सॉल्यूशन है। तो आज हम सभी जो है सॉल्यूशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसे हिंदी में विलयन कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि सॉल्यूशन है क्या, विलयन है क्या। तो आज हम सभी ये जानकारी लेंगे कि विलयन किसे कहते हैं, विलयन क्या होता है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, लोग जब भी विलयन पढ़ने जाते हैं तो सीधे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन की बात किया करते हैं। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन में कौन कौन से संगठन भाग लेते हैं, उसकी बात किया करते हैं। जबकि इम्पोर्टेंट ये है कि विलयन है क्या, तो मैं बता देता हूँ। विलयन जो है एक होमोजीनस मिक्सचर है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनस मिक्सचर, जिसे हम हिंदी में सामांगी मिश्रण कहते हैं, तो सबसे पहला लाइन यही है कि जो आपका विलयन है वो एक सामांगी मिश्रण है, एक होमोजीनस सॉल्यूशन है। इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर When two or more substances can meet together, it forms a solution. जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक समांगी मिश्रण बनाते हैं, जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके समांगी मिश्रण बनाते हैं तो हम उसे विलयन कहते हैं। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि when two or more than two substances meet together and it forms a homogeneous mixture, that is known as solution. अर्थात जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाते हैं तो हम उसे विलयन कहते हैं। जैसा आपने अक्सर डेली लाइफ में सुना होगा कि जब भी हम शुगर प्लस वाटर को मिक्स करते हैं, शक्कर और पानी को जब भी मिलाते हैं तो शरबत तैयार होता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा शरबत तैयार होता है उसे हम विलयन कहते हैं। और जो ये हमारा शुगर है और ये जो हमारा वाटर है, यही जो है उसके घटक है, कंपोनेंट कहलाते हैं, सॉल्यूशन के कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, दैट इज नॉन एज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। याद रखिएगा, यदि कोई आपसे कहता है कि विलयन क्या है तो आपका उत्तर ये होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो मैंने कहा तो शुगर एंड वाटर, दो से अधिक पदार्थ मतलब शुगर वाटर एंड सॉल्ट, जब हम इसमें नमक भी मिला दें, नींबू भी मिला दें, मतलब दो से अधिक पदार्थ हो जाएंगे लेमन भी मिला देने के बाद। तो याद रखिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाते हैं तो हम उसे विलयन कहते हैं। और विलयन के जो है दो घटक होते हैं, देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट इज दैट सॉल्यूट, विलयन का जो जो विलयन का पहला घटक है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, हिंदी में उसे विलय कहते हैं। और जो दूसरा कंपोनेंट है सॉल्यूशन का उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, जिसे हिंदी में हम विलायक कहते हैं। मतलब यदि आपसे कोई कहे कि सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं तो आपका रिप्लाई होगा सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट इज दैट सॉल्यूट एंड सेकंड इज दैट सॉल्वेंट। हिंदी में सॉल्यूट को विलय और सॉल्वेंट को विलायक कहते हैं। मतलब विलयन दो घटकों से मिलकर बना है, विलय और विलायक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि विलय क्या है, विलायक क्या है। अक्सर लोगों को पता है कि जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, जिसकी क्वांटिटी लेस होती है, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जिसकी क्वांटिटी मैक्सिमम होती है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। याद रखिएगा, इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट लोग जितना इजी सोचते हैं, पता तो सभी को है 9th क्लास से कि सॉल्यूट वो है जो कम मात्रा में है, सॉल्वेंट वो है जो अधिक मात्रा में है, लेकिन इसमें रोचक बात क्या है वो आज आपको देखने के लिए मिलेगा।
सबसे पहले तो आपको एक बात ये भी जानकारी होगी विलायक के बारे में कि जो हमारा जल होता है जिसे हम वाटर कहते हैं वो एक सार्वत्रिक विलायक है जिसे हम इंग्लिश में यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। याद रखिएगा, जल का सार्वत्रिक विलायक कहने का मतलब ये नहीं है कि जल हमेशा विलायक का कार्य करता है। उसका मतलब ये है कि जल अधिकतर चीज़ों को अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है, इसलिए हम उसको बोल देते हैं कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है। और यद्यपि आल्दो यहाँ पर जो हमारा वाटर है वो ऑलरेडी क्या है हमारा अधिक मात्रा में है, तो वो हमारा क्या है विलायक है। और जो हमारा शुगर है वो कम मात्रा में है तो वो हमारा विलेय है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो शरबत बनता है और शरबत हमारा विलयन है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी कई सारे लोग पूछ देते हैं कि मान लीजिए हमने पानी की मात्रा को कम कर दिया और हमने शक्कर की मात्रा को बढ़ा दिया, हमने पानी की मात्रा को जो है कम कर दिया और शक्कर की मात्रा को बढ़ा दिया, मतलब पानी हमने एक गिलास लिया और हमने जो शुगर है वो एक बाल्टी ले ली, एक लोटा ले लिया, नहीं समझ पा रहे ऐसे में क्या होगा। तो याद रखिएगा सबसे पहले बात, इसीलिए मैंने आपको बताया कि विलयन होने के लिए उसे समांगी मिश्रण होना चाहिए। वो प्रश्न ही उस व्यक्ति का गलत है, क्यों? क्योंकि समांगी मिश्रण का मतलब होता है जो पूरी तरीके से एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। आप बोलेंगे कैसे, तो देखिए ये हमारे पास एक बीकर है और एक बीकर के अंदर हमने यहाँ पर वाटर डिजॉल्व कर रखा है। वाटर का ही फॉर्मूला H2O होता है। इस वाटर में हमने जो है मिला दिया, मान लीजिए कि हमने मिल्क मिला दिया इस वाटर में, या हमने शुगर मिला दिया, जो भी आप मिलाना चाहते हैं आपने मिला दिया। मिलाने के बाद आप दोनों को मिक्स करने के बाद, मान लीजिए हमने मिल्क कम मात्रा में ली तो मिल्क हमारा सॉल्यूट है मतलब विलेय है, हमने वाटर ज़्यादा मात्रा में ली तो वाटर हमारा क्या है विलायक है मतलब सॉल्वेंट है। हम दोनों को मिक्सअप किए, उसके बाद हमने यहाँ से भी मिल्क और जो वाटर का सॉल्यूशन बना उसे निकाला, और यहाँ से भी हमने मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन निकाला। और जब यहाँ से मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन निकाला और उस सॉल्यूशन में यदि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 1:3 है और 1:3 है, और नीचे से निकालने के बाद भी मिल्क और वाटर का रेशियो 1:3 है, इट मीन्स दैट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। जहाँ पर विलेय और विलायक के बीच में मतलब दो पदार्थों के बीच का अनुपात जहाँ पर हर जगह क्या हो बराबर हो उसे ही हम कहते हैं समांगी मिश्रण। एक ऐसा विलयन जहाँ पर दो या दो से अधिक पदार्थ जो भी पदार्थ आप लिए हो उसका हर जगह पे संगठन हर जगह पे अनुपात समान हो, जो पूरी तरीके से एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाए वही कहलाता है समांगी मिश्रण। जैसे मिल्क और वाटर एक समांगी मिश्रण है जबकि तेल ऑयल और वाटर एक समांगी मिश्रण नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरीके से एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होता। पहले सॉल्यूशन होने के लिए एक समांगी मिश्रण होना चाहिए। तो मैं अपने उस क्वेश्चन पे आता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि शक्कर की मात्रा को बढ़ा दें और पानी की मात्रा को कम कर दें तो बताओ कौन विलेय है कौन विलायक है। सबसे पहले जब आप शक्कर की मात्रा को बहुत बढ़ा देंगे और पानी की मात्रा को बहुत कम कर देंगे तो दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होंगे, मतलब वो समांगी मिश्रण नहीं होंगे। और जब वो समांगी मिश्रण नहीं होंगे तो क्वेश्चन ही नहीं उठता कि वो विलयन होंगे, और जब वो विलयन ही नहीं होंगे तो ये प्रश्न उठता ही नहीं कि वो विलेय है या विलायक। याद रखिएगा कि पहले विलयन होने के लिए उसे जो है समांगी मिश्रण होना चाहिए, यदि वो समांगी मिश्रण है तब जाकर वो विलयन है, और जब वो विलयन है तब हम पता लगाएंगे कि वो विलेय है या विलायक है। विलेय वो है जिसकी मात्रा कम होती है, विलायक वो है जिसकी मात्रा अधिक होती है। पर ये कोई हीट एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सबसे पहला तरीका है विलेय और विलायक को पहचानने का। लोग विलेय और विलायक को यहीं पर ख़त्म कर दिया करते हैं जबकि ये सिर्फ आगाज है, अंजाम बाकी है। अब देखते हैं हम विलेय और विलायक की पहली कंडीशन तो हमने जान लिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमने जानने की कोशिश की, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को तो हम ये जान लिए, सॉल्यूट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विलेय और सॉल्वेंट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विलायक।
विलेय वो होता है, हम इन्हें पहली कंडीशन क्या जानी, विलेय वो है जो कम मात्रा में है, जिसकी लेस क्वांटिटी है, लेस अमाउंट है, और विलायक वो है जिसकी अधिक मात्रा है। हमने पहली चीज़ ये जानी विलेय और विलायक को पहचानने के लिए। देखिए मैं तीन कंडीशन आपसे पूछता हूँ। पहला, यदि कोई कहता है कि हमारे पास 20% एथिल एल्कोहल है, 20% एथिल एल्कोहल का विलयन है, देयर इज ए सॉल्यूशन ऑफ एथिल एल्कोहल 20%, तो इसका मींस क्या है? 20% एथिल एल्कोहल का विलयन है, इसका मतलब क्या है? तो याद रखिएगा, 20% एथिल एल्कोहल है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 20% तो एथिल एल्कोहल है, बाकी जो बचा वो 80% जल है। जब भी ना दिया हो आपको विलायक की मात्रा, तो आप समझिए प्रतिशत का मतलब ही 100 है। जो लोग कह देते हैं कि 101%, 102%, इट मीन्स वो विश्वास दिलाना चाहते हैं उस बात के लिए कि हाँ ये विश्वास है कि 101%, 102%, बाकी प्रतिशत हमेशा 100 होता है। तो याद रखिएगा जो 20% है, मुझे बहुत अच्छा लगता है चीज़ों को शेयर करने पर, छोटी छोटी बातें है ना, तो याद रखिएगा जो 20% है वो जो है आपका एथिल अल्कोहल। किसी ने कहा 20% एथिल अल्कोहल है, मतलब 20% एथिल अल्कोहल और 80% जल है। और यदि किसी ने कहा कि हमारे पास 80% जल है, सॉरी, किसी ने हमसे कह दिया कि 20% एथिल अल्कोहल है, मतलब 20% हमारे पास एथिल अल्कोहल और 80% जल, ऐसी कंडीशन में यदि कोई आपसे कहता है कि आपका विलेय कौन होगा, विलायक कौन होगा, तो आप पहचान सकते हैं क्या? बिल्कुल आप पहचान सकते हैं आपका विलेय कौन और विलायक कौन है। जिसकी मात्रा कम वो विलेय और जिसकी मात्रा अधिक विलायक, अभी जल विलायक है। लेकिन किसी ने कह दिया कि 80% एथिल अल्कोहल है, किसी ने कह दिया कि हमारे पास 80% एथिल एल्कोहल है, तो आप क्या कहेंगे? भाई अब वो बातें अपने माइंड से हटा दीजिए कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है, क्योंकि वो लिख दिया, गलती से लिख दिया किसी ने जल एक गलती से नहीं लिखा, वो ये सोच के लिखा था कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि वो ये कहना चाहता था कि जल अपने अंदर अधिकतर चीज़ों को घोलने की क्षमता रखता है। लेकिन लोग ये समझ बैठे कि जल जब भी आएगा तो विलायक होगा, सबसे बड़ी चूक। ये देखिए 80% एथिल एल्कोहल का मतलब ये है कि हमारा इस 80% जो एथिल एल्कोहल है वो विलायक है, और जो 20% जल बचा वो हमारा क्या है? विलेय है। यहाँ पर जल विलेय का काम कर रहा है, जबकि यहाँ पर जल विलायक का काम कर रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे वाह वाह कितना अच्छा पढ़ा दिया। अरे नहीं, अभी एक चीज़ बाकी है। अब आपसे किसी ने कह दिया, अरे अब क्वेश्चन तो यहाँ पे है, ठीक है ना, 50% एथिल एल्कोहल है, अब क्या करेंगे? अब तो बहुत बड़ी जो है यहाँ पर मुसीबत आन पड़ी है ना, एथिल एल्कोहल। अब आपने किसी ने कह दिया कि 50% आपके पास एथिल एल्कोहल है, अब क्या करें? अब तो मेरा ये सारा फॉर्मूला फ्लॉप हो गया कि सॉल्यूट वो है जो कम मात्रा में है और जो सॉल्वेंट वो है जो अधिक मात्रा में। अब तो 50% एथिल एल्कोहल और 50% जल। अब कुछ लोग कहीं और मत जाइएगा एथिल एल्कोहल को सुन करके, क्योंकि यही है जिसका रातों रात दिनों दिन पैक पे पैक बनते हैं, नहीं समझे? लेकिन आपको यही रहना है, क्योंकि जो क्वेश्चन देगा आज से 2015 में जो है, जब जेई का पेपर हुआ था तब ये आया था कि 50% एथिल एल्कोहल है, इट मीन्स 50% जल भी है। अब ये बताना अब कौन विलेय है कौन विलायक है, अब तो सारा उसका रूल धराशायी हो गया यहाँ पे, क्योंकि उसने ये पढ़ रखा था विलेय वो होता है जो कम मात्रा में होता है, विलायक वो होता है जो अधिक मात्रा में होता है, अब तो ये दोनों बराबर हैं, ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आते हैं या फिर और जगह पे भी आते हैं और ये कहते हैं कि अब इन दोनों में किसी को भी मान लो विलेय, किसी को भी मान लो विलायक। बिल्कुल बिल्कुल, आप सोच रहे हो कि हम उनकी बातें काट देंगे, बिल्कुल नहीं काटेंगे, हम सबका समर्थन करते हैं। लेकिन एक बात और, ऐसी कंडीशन में जब दोनों बराबर आ जाता है, ऐसी कंडीशन पे हम उसका क्वथनांक देखते हैं। जब हमारे पास दोनों बराबर क्वांटिटी में हो, दोनों लिक्विड हो, तो हम उसका क्वथनांक देखते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्वथनांक क्या है? इंग्लिश में क्वथनांक को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसकी बहुत लंबी चौड़ी डिफिनेशन ना दूं मैं, तो केवल एक छोटे से भाषा में यदि कहूँ, सरल भाषा में कहूँ, तो जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, बॉइल होने लगता है, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। एक ऐसा ताप जिस पर कोई उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। और आप सभी को पता है कि
जल 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है और आप सभी को पता है कि 72 कुछ, अब ये कुछ लोग कमेंट नहीं करने लगेंगे कि अरे 72.28 होता है, पता है मुझे, रिसर्च पर है, और आपको पता है 72.78 को हम लिख सकते हैं 73, क्योंकि पॉइंट के बाद यदि 5 से ऊपर जा रहा हो तो हम उसे अगले में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन मैंने लिख दिया अप्रॉक्सीमेटली 72% थिनस, सॉरी मैंने परसेंट लिख दिया, 72 डिग्री सेल्सियस किसका होता है, एथिल एल्कोहल का होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस किसका होता है, क्वथनांक जल का होता है। याद रखिएगा, जिसका क्वथनांक कम होगा, जिसका क्वथनांक कम होगा वही विलायक होगा, यही एक बात तो मुझे बतानी थी और आप समझ गए होंगे। जिसका क्वथनांक कम, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों बराबर मात्रा में हो, तो हम देखते हैं कि किसका क्वथनांक कम होता है, तब आपको पता है क्वथनांक कम किसका है, एथिल एल्कोहल का है, मतलब एथिल एल्कोहल यहां पर किसका कार्य करता है, विलायक का, और जल किसका कार्य करता है, विलेय का। तो अभी ये पहली प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, विलेय कौन है और विलायक कौन है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप पे कि अब फिर से जानते हैं और कोई तरीका है क्या विलेय और विलायक को पहचानने का। बिल्कुल, जो कम ज्यादा इसके अलावा भी एक तरीका है हमें विलेय और विलायक पहचानने का। क्या है वो तरीका, उसको दूसरे कंडीशन पे जाने दीजिए, ठीक है। वो दूसरा कंडीशन अपना क्या है सुनिएगा, दूसरा कंडीशन ये है विलेय और विलायक पहचानने का कि यदि आपका सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, सॉल्यूट जिसे आप क्या कहते हैं विलेय कहते हैं और सॉल्वेंट जिसे आप विलायक कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूट आपका विलेय है और सॉल्वेंट जो आपका विलायक है, ठीक है। दूसरा तरीका एक और है विलायक को पहचानने का भाई, कि पहली कंडीशन थी जो अधिक मात्रा में है वो विलायक है। दूसरा एक और है भाई कि जिस अवस्था में, मतलब जिस फेज में सॉल्यूशन होगा, ठीक उसी फेज में सॉल्वेंट होगा। अर्थात जो बिलियन की अवस्था होगी, जो बिलियन की अवस्था होगी वही अवस्था, जो अवस्था बिलियन की होगी वही अवस्था विलायक की होगी कभी भी बिलियन में। तो समझ जाइएगा, जिस पदार्थ, जो आपका उत्पाद बना है, जो आपका प्रोडक्ट बना है, वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में विलायक भी होगा। आप समझ जाइएगा, पूछेंगे कैसे, बोलिए आपने शक्कर को मिलाया किसके साथ, पानी के साथ, बना क्या शरबत। बोलिए शरबत की कौन सी अवस्था है, शरबत की कौन सी अवस्था है, लिक्विड, लिक्विड माने क्या द्रव, बताइए द्रव है ना। तो ये बताइए शक्कर और पानी में कौन द्रव है, बहुत अच्छा, बोलते रहिए, जहाँ है बोलते रहिए, नहीं समझ पा रहे, मैं सब सुन रहा हूँ। याद रखिएगा शरबत यहाँ पर क्या है, द्रव है, बिलियन द्रव है, तो मतलब जो विलायक है वो भी द्रोही अवस्था में होगा। अब आप पहचान पा रहे होंगे कि जो पानी है वो भी क्या है, द्रव है। तो यही विलायक का अक्सर जो बिलियन की अवस्था होगी वही विलायक का अवस्था होगा, ये दूसरी बात हो गई। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर, ये दूसरी बात में ही मैं आपसे एक और चर्चा करूँगा, एक नई चर्चा करूँगा। अब वो नई चर्चा क्या है कि बिलियन जो है, दो बिलियन में मैंने आपको डिफिनेशन दी, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, समांगी मिश्रण बनाते हैं, तो बिलियन का निर्माण होता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के समांगी मिश्रण बनाते हैं तो हम उसे बिलियन कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा, बिलियन में दो घटक, विलेय और विलायक। एक नई बात, हमेशा बिलियन के अंदर विलायक सिर्फ एक होगा, बिलियन के अंदर विलायक सिर्फ एक होगा, बाकी सब विलेय होंगे। समझ रहे हैं ना, जैसे कि इतिहास में जो है हमेशा कोई भी जो वर्चस्व वाला व्यक्ति होगा वो कोशिश करेगा कि केवल मैं ही राजा, मैं ही सब कुछ हूँ, उसी तरह वो हो भी हो, आपके दैनिक जीवन में हो ना हो, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा बिलियन के अंदर जो है हमेशा जो विलायक होता है वो एक होता है, बाकी सब विलेय होते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे, जैसे आपने चाय बनाई, आपने चाय बनाई तो उसमें केवल दो चीज़ नहीं, आप कई चीज़ों को मिलाते हैं, जैसे आपने लिया दूध, लिया आपने शक्कर, लिया चाय पत्ती, ली इतनी सारी चीज़ों को मिला दिया, दो से अधिक पदार्थ हो गए। अब आपको पता करना है कौन विलेय है कौन विलायक है। याद रखिए, हम आपके घर में आए
तो दूध भी लायक है, और कोई आपका ऐरा गहरा साथी आया तो पानी भी लायक है। पूछे कैसे? क्योंकि जब मैं आऊँगा तो स्पेशल चाय बनेगी, उस समय दूध की मात्रा अधिक होगी, बाकी सब कम होंगे। तो दूध क्या हो गया आपका? विलायक। और बाकी कोई ऐसा ही अड़ोसी पड़ोसी आ जाता है, हम गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, चाय पिएगा, और उस समय हम दूध की मात्रा कम करते हैं और पानी की मात्रा को बढ़ा देते हैं। बाकी तो विलायक सिर्फ एक होगा, बाकी सब विलेय होंगे। तो याद रखिएगा, चाय पत्ती शक्कर दूध सबकी मात्रा कम कर दिए, पानी की मात्रा बढ़ा दिए, लेकिन विलायक सिर्फ एक होगा, बाकी सब विलेय होंगे। ये दूसरी बात थी। अब आता है जानकारी के लिए, अब आपके हम तीसरी बात पे चलते हैं। तीसरी बात, अब तीसरी बात क्या होगी ये भी सुन लीजिए। हमने पहली बात बताई, जिसकी मात्रा कम वो विलेय, जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक। फिर हमने दूसरी बात बताई, विलायक सिर्फ एक होगा, विलेय एक से अधिक हो सकते हैं। हमने तीसरी, इसी में दूसरी बात में हमने ये भी बताया था कि जो आपका विलायक है, हमने ये भी बताया था इसमें कि जो आपका विलायक है वो क्या होगा, विलायक की वही अवस्था होगी जो विलयन की अवस्था होगी, हमने ये बता रखा था। अब देखिए, अब लोगों को लगता है कि अब तो हम विलेय और विलायक पहचान जाएंगे, अब लोगों को लगता है हम विलेय और विलायक पहचान जाएंगे, हम दूसरी जगह पड़े हुए हैं या फिर सारी चीज़ें लो महाराज आपके सामने पेश है, बधाई हो। यदि आपको, यदि आपसे यदि आ जाता है तो कोई नहीं, बधाई हो आपको। लेकिन ये देखिए, एक आपके सामने पेश है, ये हमने लिख दिया है 98 ग्राम हमने लिख दिया आपके सामने, लिख देते हैं, अब लिख दिया है तो लिख दिया, नहीं मिटाएंगे। 98 ग्राम, आपको नाराज नहीं करेंगे। 98 ग्राम H2SO4 है, 98 ग्राम H2SO4 है, जो कि कितने में, 98 ग्राम H2SO4 54 ग्राम जल में घुला हुआ है। बताओ कौन विलेय है, कौन विलायक है? ऑप्शन जल्दी से, जल्दी से, ठीक है। अब देखिए क्या है कि अभी लाइव क्लास नहीं चल रही हमारी, जल्द लाइव क्लास होगी तो हम कमेंट भी पढ़ेंगे, है ना, और वो आपके हाथ में है। हम आगे कितना बढ़ें वो आपके हाथ में है, आप चाहें तो हमें आगे बढ़ा दें। और अपना व्यक्ति हमेशा, अनूप सर आपके हैं, मॉडल कोचिंग आपकी है, एसके सर आपके हैं, उसको बढ़ाना किसका काम है, आपका काम है। याद रखिएगा, 98 ग्राम H2SO4 और 54 ग्राम जल, इन दोनों में हमको ये पता करना है कौन विलायक कौन विलेय। अरे तुरंत कहेगा, अभी अनूप सर पढ़ाए हैं और दूसरे लोग पढ़ाए हैं, तुरंत कह देगा H2SO4 विलायक है और 54 ग्राम क्या है, जल है, तभी उसका सारा काम यहाँ गलत हो जाएगा। क्योंकि उसको तो ये पता था कि जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक है, वो तो 98 ग्राम देख रहा है, वो 98 ग्राम देख रहा है और 54 ग्राम देख रहा है। बोला कि अरे 98 ग्राम H2SO4 ज़्यादा मात्रा में, जो ज़्यादा मात्रा में है वही विलायक है और जो कम मात्रा में वो विलेय है। अब यदि मैं ऐसा बोल दिया तो दूसरी चीज़ ये सोच रहा था, अरे दोनों बराबर होते तब न क्वथनांक देखते, यहाँ तो बराबर भी नहीं है। ऐसा क्या हुआ कि ये गलत हो गया हमारा? अब तो कॉमन सेंस इतना सभी के पास है, मैंने कह दिया कि ये आपका गलत है, आप इसको विलायक कह रहे थे, इसको विलेय कह रहे थे, तब वो सार्वत्रिक विलायक वाला सूत्र होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप फिजिक्स भी पढ़ते हैं, अब आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, और जब भी पढ़ते हैं तो आपने आज ही पढ़ा है, आज ही आपने पढ़ा है, ठीक ना, फिजिक्स में कि पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मेजर करते हैं। जिस तरह हम द्रव्यमान को किलोग्राम में, और हम समय को सेकेंड में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, और हम ताप को केल्विन में, उसी तरीके से हम किसी भी पदार्थ की मात्रा को मोल में मेजर करते हैं। ग्राम में देखकर कभी भी विलायक और विलेय मत पहचानना, हमेशा उसे किस में देखना, मोल के रूप में। अब लोग बोलेंगे मोल, तो ये मोल क्या होता है, देख लीजिए मोल क्या है। मोल जो होता है, नंबर ऑफ मोल, यन से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल होता है, क्या होता है मोल, मोल जो आपका होता है भार बटे अड़ुभार, भार बटे अड़ुभार। अब भार क्या है, जिसे इंग्लिश में आप वेट कहते हैं, भार क्या है जिसे आप इंग्लिश में वेट कहते हैं, अड़ुभार क्या है जिसे आप इंग्लिश में मोलेकुलर वेट कहते हैं, मोलेकुलर वेट कहते हैं, भार बटे अड़ुभार। अब बताइए भार क्या है जो यहाँ पे ग्राम में दिया है। मैंने कहा था ना केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं है, केजी बड़ा मात्रक है, छोटा मात्रक ग्राम है।
तो बताइए 98 ग्राम दिया है H2SO4, अब निकालना अड़ू भार। बहुत सारे लोग कहेंगे अड़ू भार नहीं आता, अरे 11वीं में आप हमारे पास नहीं थे महाराज, इसीलिए नहीं आता। शायद यदि आप जुड़े होते और आज हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में होते तो, मजाक कर रहा हूँ, ज़्यादा सीरियस भी मत लीजिएगा कि बड़ाई बड़ाई किए जा रहे हैं अपनी, वो केवल आपके साथ अपना रिश्ता है तो केवल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है ना, ये केवल मजाक है। अड़ू भार आपको निकालना है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है, सॉरी परमाणु क्रमांक तो 1 होता है, ये परमाणु भार भी 1 होता है। हमको तो अणु भार निकालना है, मतलब परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट से। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, सल्फर का एटॉमिक वेट कितना 32, मतलब हम परमाणु भार ले रहे हैं, और क्या है O4 इसका होता है 16। लेकिन अब देखिए हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा है तो 1 × 2 प्लस 32 प्लस और 16 × 4 जो साथ में लिखे होते हैं, मैथ नहीं है। मैथ में यदि ए बी लिखा है तो ये माना जाता है कि ए इंटू बी लिखा है, मतलब किसी के बीच में कोई साइन ना लिखा हो तो उसे मल्टीप्लाई मानते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में H2 के बाद कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे क्या है प्लस है, सल्फर फिर प्लस है, फिर ऑक्सीजन के साथ, मतलब जो उसके साथ में संख्या लिखी है वो उसके मल्टीप्लाई में है, बाकी एलिमेंट्स के बीच का जो है प्लस का साइन होता है। तो अब बताइए 2 × 2 प्लस 32 और 16 × 4, और जिससे नहीं आ रहा होगा ये परमाणु भार, तो ये भाई 7th, 8th, 9th की चीज़ें हैं, बाद में भी बताया जा सकता है आपको, कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा। पर्सनल परमाणु भार के लिए हम आपके लिए बनाएंगे, अणु भार निकालना सिखाएंगे। याद रखिएगा हम आपके हैं, आप जब भी जो आदेश करेंगे उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं रात दिन। मॉडल कोचिंग हमेशा आपके लिए जो, और मेरा हंसने का इरादा सिर्फ एक ही है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे सेंटेंस आते हैं कि हम दूसरों को लिए अच्छा कर सकें, है ना, और आपके लिए तो हमेशा है। याद रखिए 64 + 32 + 2, अब यदि हम इसे ऐड करते हैं तो ये क्या हमारा 98 है। अब देखिए अब हम जोड़े वोड़े नहीं कि, है ना, बार बार प्रैक्टिस याद ही है, 4 × 2 = 6 + 2 = 8 और 6 × 3 = 9, ये क्या हो गया 98। अब हमने ले लिया वेट, तो वेट भी दिया है 98 और इसका अणु भार भी निकल आया 98। बहुत लोग कहेंगे अरे दोनों सेम, हमेशा थोड़ी सेम आएगा, ये इत्तेफाक है आ गया। और इत्तेफाक नहीं, मैं जानबूझ के कैलकुलेशन आसान करने के लिए रख दिया था ये वैल्यू, है ना, आपसे बात कर लेते हैं। 98 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, और हमने इसे मान लिया क्या, अब ये कन्वर्ट हो गया किस में, 1 मोल। 98 ग्राम H2SO4 का मतलब 1 मोल। अब आ गया 54 ग्राम क्या था वाटर, तो उसका भार 54 हो गया। अब हमको पता करना है कि H2O का अणु भार कितना होता है, तो मैंने बताया हाइड्रोजन का 1 × 2 जैसे वहाँ लिखे तो 1 × 2 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये 2 × 2 और प्लस 16 मतलब 2 + 1 = 2 और प्लस 16 तो 16 × 2 = 18। अब 18 का भाग देंगे तो 18 × 3 = 54, 18 × 3 = 54, और याद देखिए यहाँ पे कितना आ गया 3 मोल। बोलिए 1 मोल ज़्यादा है कि 3 मोल। याद करते हैं, रटते हैं, पदार्थ की मात्रा मोल है, ये समझे, तो हम लोग रटने के लिए नहीं पढ़ाते, हम लोग सीखने के लिए पढ़ाते हैं। यहाँ पढ़ाया नहीं, सिखाया जाता है भाई कि 3 मोल हमको वाटर हो गया और 1 मोल हमारा H2SO4 हो गया। जिसकी मात्रा अधिक वो विलायक और जिसकी मात्रा कम वो विलेय, मतलब यहाँ भी विलायक का काम कौन कर रहा है, यहाँ भी विलायक का काम कौन कर रहा है, जल कर रहा है, विलेय का काम कौन कर रहा है, H2SO4 कर रहा है। वो मोल में देखेंगे आप कभी, परसेंट में था तो आप जान गए कि 20%, 80% तो जो अधिक मात्रा था, लेकिन उसी तरीके से ग्राम में कभी भी देख करके ये मत बता दीजिए कि ये विलेय है और ये विलायक है। पहले आप उसे मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल में देखेंगे, तो उसके बाद आप बताएंगे ये हमारा जो है विलेय और विलायक। देखिए क्या है कि आज हम लोग सुबह से लगे हुए हैं, है ना, आज हमारा फर्स्ट डे है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग डेडिकेटेड हैं। आज सुबह हम लोग, मैं जो है आज पानी में भीजते हुए सर के आदेश पे जो है आज लगभग 7 बजे के करीब पहुंचा, और हम लोग 8 बजे से जो है एकदम तत्पर है लगातार सिर्फ आपके लिए। बस बीच में थोड़ा सा हमने 1 घंटे का ब्रेक लिया, खाना पीना और हम लोगों ने इंजॉय किया। फिर इंजॉय करने का मतलब खाना पीना खाया, वही हमारा इंजॉय है। आपके लिए सोचा वही हमारा इंजॉय है कि आपके लिए बात किया कि जा करके फिर अच्छे से वीडियो बनाना है, और शाम को आप खुद ही देख रहे हो टाइम, तो मैं टेक्निकल टीम से पूछना चाहूँगा कि अभी कितने मिनट बाकी है। 4 मिनट हो गया, ठीक, ओके, थैंक यू।
और यदि आप सभी को, देखिए आज के लिए मैंने इतना बता दिया है, यदि आज, यदि इसके बाद भी यदि इस टॉपिक में कोई आपको प्रॉब्लम हो, हमारे फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम, किसी में भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज डालिए, है ना, जल्दी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि ये नहीं है कि हम एज ए टीचर, हमारे पास जब भी टाइम होगा हमारे नंबर्स होंगे आपके पास अवेलेबल होंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम बिजी रहते हैं तो यदि नई बातें हो पाएंगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक नया वीडियो बना करके हम आपको दें, है ना। और हम हमेशा आपके बेहतर भविष्य के लिए सोचते हैं और मॉडल परिवार हमेशा आपके अच्छे अच्छे भविष्य की कामना करता है। अच्छे भविष्य की कामना मतलब हम आपको जो है केवल 12th 11th ही नहीं, हम कोशिश करना चाहते हैं कि आपके जो है JEE और नीट लेवल की एजुकेशन हम आपको दें। और याद रखिएगा ये स्मार्ट बोर्ड जो हमने चालू किया है ना, बहुत एफर्ट के साथ चालू किया है, और इसमें जो हमको शुरू में अभी थोड़ी दिक्कतें भी जा रही, हम उसकी बात नहीं करते कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, हमने लोगों की मदद के लिए, अपने हमसे जुड़े हुए सारे बच्चों के मदद के लिए, है ना, इस चीज़ को पहुंचाना चाहते हैं। और आपसे आशा करेंगे कि इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।